हे वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 18,000 के आसपास आने वाले कुछ बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ, 18 से 20,000 के आसपास स्मार्टफोन तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अलग अलग ब्रांड के तरफ से, लेकिन प्योर गेमिंग स्मार्टफोन बहुत ही कम है। तो काफी ज्यादा रिसर्च, रिव्यूज और एनालिसिस के बाद हमने आपके लिए केवल 3 ही गेमिंग स्मार्टफोन को रखा है जिसे आप 18,000 के आसपास बाय कर पाएंगे। ये तीनों स्मार्टफोन प्योर परफॉर्मेंस सेंटर के स्मार्टफोन होंगे, आराम से आप लॉन्ग सेशन तक हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। ऑल्दो बाकी के फीचर्स भी आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आपका बजट 18 से 19,000 के आसपास है और आपको चाहिए कोई सा एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वैसे तो ये तीनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह बेस्ट है, बट फिर भी हमने इन तीनों स्मार्टफोन को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया है। तो हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 3 से। और नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का नाम है इन्फिनिक्स जीरो 5G। मेरे हिसाब से ये फोन बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है जस्ट बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, क्योंकि इस फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उतना खास नहीं है, बट फीचर्स बहुत ही तगड़े दिए गए हैं। तो चलिए डिटेल में जान लेते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो दोस्तों इस फोन का डिजाइन बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, हालांकि ऑरेंज कलर वाला वीगन लेदर से बना हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। 8.8 mm की थिकनेस है एंड 199 ग्राम वेट है। ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में काफी अच्छा है, दिखने में बहुत ही अमेजिंग है। बात करें कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो इस फोन में ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। सिंगल स्पीकर दिया गया है जिसके आउटपुट ठीक ठाक है, अगर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर होता तो ज्यादा बेहतर रहता। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ट ऑन XOX 10। तो हाँ, इस फोन में आपको थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर जरूर देखने को मिलेगा, कभी कभी बग्स वगैरह भी देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर वाइज थोड़ा सा वीक रहेगा ये फोन। वैसे इन्फिनिक्स इस फोन को 1 मेजर एंड्रॉइड अपडेट देने वाला है। चलिए आप जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो अगर हम बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में हमें मिलता है 5000 mAh की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है और नॉर्मल यूजर्स में 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में हमें मिलता है 6.8 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LTPS डिस्प्ले, मतलब IPS से थोड़ी सी बेटर डिस्प्ले मिलेगी आपको। 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 240Hz की टच सेंसिंग रेट मिल जाती है, HDR 1035 है, 500 nits तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है जो कि ठीक ठाक ब्राइटनेस लेवल है, और डिस्प्ले के ऊपर NEG ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है जिसे आप COG3 इतना मान सकते हैं। ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको अच्छा मिल जाएगा, बस ब्राइटनेस थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, लेकिन डिस्प्ले की पैनल काफी अच्छे क्वालिटी का है। बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में, तो इस फोन में हमें मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा, प्राइमरी सेंसर 48 MP का है जो कि सैमसंग का GM1 सेंसर है, सेकंड कैमरा 13 MP का है जो कि टेलीफोटो लेंस है। जी हाँ, इस फोन में आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, बट क्वालिटी आपको डिसेंट टाइप की मिलती है। थर्ड कैमरा 2 MP का है जो कि डेप्थ कैमरा है, तो अल्ट्रा वाइड मिसिंग है। रियर कैमरे से आप 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080p में 60fps तक और 960fps में स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कैमरे के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे आपको। वहीं फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक गेमिंग फोन है, फिर भी इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है। चलिए परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं जो कि इस फोन का बेस्ट पार्ट है। तो इस फोन में लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 वाला 5G चिपसेट जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। मिड रेंज में 470,000 के आसपास अंतत स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि काफी अच्छा स्कोर है, और इस फोन में हमें मिलता है UFS 3.1 वाला स्टोरेज और LPDDR5 वाला रैम, ऑल्सो वर्चुअली 5GB तक रैम भी बढ़ा पाएंगे, और हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए 3D वेपर कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है ये फोन। तो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में ये फोन एक्सीलेंट रहने वाला है, डे टू डे यूजर्स में बहुत ही ज्यादा फास्ट फील होगा आपको, क्योंकि LPDDR5 रैम और UFS 3.1 वाला स्टोरेज है, आराम से आप हाई लेवल तक की गेमिंग भी कर सकते हैं अप टू 70fps तक। खैर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, तो इस फोन में हमें मिलता है 13 5G बैंड्स का सपोर्ट जिसके कारण ये एक ट्रू 5G फोन भी है। ड्यूअल 4G वोल्टेज के साथ आता है, वाईफाई 6 है, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है और ब्लूटूथ 5.0 वर्जन का सपोर्ट मिलता है, तो कनेक्टिविटी में भी ठीक है। फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो ये फोन एक ही स्टोरेज टाइप के साथ अवेलेबल है, 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, जिसके लिए आपको 18,000 रुपए पे करने होंगे, प्लस 1,250 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर लेना। और वैसे इस फोन की प्राइस फ्लैक्चुएट होती रहती है, कभी कभी तो ये फोन आपको 15,000 के नीचे मिल जाएगा। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स।
चलिए बात करते हैं सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। और नंबर टू पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये भी एक प्योर गेमिंग फोन है अंडर 20,000। जी हाँ, इस फोन का नाम है Realme 9 5G स्पीड एडिशन। अभी तो ये फोन आपको 20,000 के आसपास मिलेगा, लेकिन अक्सर फ्लिपकार्ट वगैरह पर सेल चलती रहती है और सेल के दौरान ये फोन इजिली आपको 15,000 से 17,000 के बीच में मिल जाएगा। बाकी इस फोन के अंदर भी बहुत ही तगड़े फीचर्स दिए गए हैं, तो चलिए डिटेल में जानते हैं जल्दी से। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, मतलब प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। बाकी 8.5 mm की थिकनेस है एंड 199 ग्राम वेट है। तो ओवरऑल डिजाइन वगैरह अच्छा मिल जाएगा, हालांकि थोड़ा सा और अच्छा डिजाइन होना चाहिए था। चलिए कुछ बेसिक फीचर्स जानते हैं। तो इस फोन में ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। ये फोन सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर के साथ आता है जो कि लाउड है, लेकिन रियलमी को स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए था इस प्राइस रेंज पर। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है जो कि काफी फास्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन Realme UI 2.0। वैसे इस फोन को एंड्रॉइड 12 के साथ आना चाहिए था क्योंकि ये फोन ज्यादा पुराना नहीं है, रिसेंटली लॉन्च हुआ था। लेकिन इस फोन में दो मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है और एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ भी गया है। बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर कहीं भी लैग और जिटरिंग इशू नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ काफी सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन जरूर मिलेंगे आपको। खैर चलिए अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 30 वॉट का चार्जर दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 1 घंटे का वक्त लगता है और नॉर्मल यूजर्स में 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा इस फोन से आपको। अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ये फोन 6.6 इंच की Full HD Plus IPS डिस्प्ले के साथ आता है, तो AMOLED डिस्प्ले नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आपको डे टू डे यूजर्स में बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होगा इस फोन का डिस्प्ले। 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है गेमिंग के लिए। 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है जो कि अच्छा ब्राइटनेस लेवल है IPS डिस्प्ले के हिसाब से। ऑल्सो HDR 10 सर्टिफाइड है, मतलब YouTube वगैरह पर HDR वीडियो देख सकते हैं आप। बाकी डिस्प्ले के ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया गया है, तो देखा जाए तो डिस्प्ले भी अच्छा दिया गया है, लेकिन नीचे की तरफ से थोड़े चिन ज्यादा है। कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए डिसेंट टाइप का डिस्प्ले रहेगा इस फोन का। खैर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त मिलता है आपको। इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 778GB 5G चिपसेट जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल चिपसेट है मिड रेंज का। 5,30,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 का स्टोरेज है, LPDDR5 वाला रैम है और वर्चुअली 5GB तक रैम भी बढ़ा पाएंगे। ऑल्सो लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। बाकी कंटिन्यूस गेमिंग करेंगे 2 से 3 घंटे तक तो हीटिंग इशू जरूर आपको फील होगा क्योंकि डेडिकेटेड कूलिंग मैकेनिज्म नहीं लगाया गया है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस से कहीं से भी इशू नहीं होगा, मक्खन परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। अगर हम कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इस फोन में 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है जो कि ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। 4G कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है, Wi-Fi 6 मिल जाएगा, Wi-Fi कॉलिंग अवेलेबल है, NFC का सपोर्ट नहीं है। लास्टली कैमरा के बारे में बात करें तो कैमरा आपको डिसेंट टाइप का मिलने वाला है, एवरेज टाइप का। ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 48 MP का है जो कि सैमसंग का सेंसर है। बाकी दो और कैमरे मिल जाते हैं 22 MP के जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं, तो अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया गया है। वैसे रियर कैमरे से आप 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080p में 60 FPS तक। वहीं फ्रंट में 16 MP का कैमरा मिल जाएगा जो कि सोनी IMX471 सेंसर है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बैक कैमरे का परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का है, लेकिन सेल्फी कैमरा काफी अच्छे से परफॉर्म करता है, अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है सेल्फी कैमरे को। तो डे टू डे यूजर्स में कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का रहेगा, ऑब्वियसली कैमरा फोन नहीं है ये। फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो 6128 के लिए 20,000 रुपीज है एंड 8128 के लिए 23,000 रुपीज है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस फोन को आप ओरिजिनल प्राइस पर मत बाय करना। कुछ दिनों पहले ये फोन भी 15,000 के आसपास मिल रहा था फ्लिपकार्ट के ऊपर और आने वाले सेल के दौरान भी ये फोन भी आपको इजीली 15,000 से 16,000 के प्राइस पॉइंट पर मिल जाएगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो अभी भी आप बाय कर सकते हैं। ये रहे इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स। चलिए बात करते हैं लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। और नंबर वन पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है अंडर 20,000। जी हाँ, इस फोन का नाम है IQ G5 5G। चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो अगेन ये फोन भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ ही आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, लेकिन जब आप होल्ड करोगे तो प्रीमियम फील होगा क्योंकि मटेरियल अच्छे क्वालिटी का यूज किया गया है। 8.5 mm की थिकनेस है एंड 193 ग्राम वेट है, तो वेट और थिकनेस ठीक ठाक है। बाकी ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा नो डाउट। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स जो कि काफी लाउड है। इस फोन में आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन SD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना।
3.5 mm का जैक अवेलेबल है। बायोमेट्रिक के लिए सेल्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि बहुत ही फास्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 11 के साथ आता है बेस्ड ऑन फन टच ओएस 12। इस फोन को दो मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है और 3 इयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट्स। तो जैसे इस फोन को आप बाय करेंगे एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा। बाकी सॉफ्टवेयर वाइज काफी अच्छा है, लैग और जिटरिंग इशू नहीं मिलेगा आपको। अगर हम कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 44W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को फुल चार्ज होने में 1 घंटे का वक्त लगता है, 1 घंटे या फिर 1.25 घंटे के आसपास, और मिक्स यूजेस में 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा आपको। चलिए परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इस फोन का की हाइलाइटिंग फीचर है। तो दोस्तों इस फोन में भी आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 778 वाला 5G चिपसेट जो कि अगेन बहुत ही अच्छा चिपसेट है। 6 nm पर बना हुआ है, मीन्स पावर एफिशिएंट है। 5,70,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही अमेजिंग स्कोर है। इतना ही नहीं, इस फोन में आपको मिलता है LPDDR5 वाला रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप। तो स्नैपड्रैगन 778, UFS 3.1 और LPDDR5 रैम, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलना 20,000 के नीचे बहुत ही रेयर है। वैसे वर्चुअली 4 GB तक रैम भी बढ़ा पाएंगे और 5 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम का भी सपोर्ट दिया गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में ये फोन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आराम से आप हाई लेवल की गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, इंटेंस वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं आप। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलता है सिर्फ 2 ही 5G बैंड्स का सपोर्ट जो कि मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट है। थोड़े से और 5G बैंड्स का सपोर्ट देना चाहिए था, लेकिन N77 और N78 मेन स्ट्रीम 5G बैंड्स है तो 5G से हो सकता है आपको ज्यादा इशू ना हो। बाकी 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है। चलिए डिस्प्ले के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये फोन 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ आता है। तो AMOLED डिस्प्ले नहीं दिया गया है क्योंकि ये एक प्योर परफॉर्मेंस सेंटर के स्मार्टफोन है तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी ही थी। 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है, HDR 10 सर्टिफाइड है एंड अप टू 650 nits की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है जो कि काफी अच्छा ब्राइटनेस लेवल है IPS डिस्प्ले के हिसाब से। पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया गया है डिस्प्ले के ऊपर, तो देखा जाए तो डिस्प्ले भी अच्छा दिया गया है। हाँ, अगर AMOLED होता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन डिस्प्ले की क्वालिटी सच में काफी अच्छा है। मूवीज वगैरह देखने में अच्छा लगेगा जरूर आपको क्योंकि इस फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर मिलता है। लास्टली कैमरा के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 64 MP का है और ये सैमसंग का GW3 सेंसर है। सेकंड कैमरा 8 MP का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है और थर्ड कैमरा 2 MP का है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से आप 4K में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और 1080p में 60 FPS तक। फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है और फ्रंट कैमरे से आप 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस फोन का जो कैमरा परफॉर्मेंस है डिसेंट टाइप का है, मतलब ज्यादा बेकार नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है जबकि ये एक परफॉर्मेंस सेंटर के स्मार्टफोन है। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 20,000 rupees पे करने होंगे, बाकी 1,500 rupees तक का बैंक डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। अगर इस फोन को हम समराइज करें तो अगर आपको 20,000 के आसपास एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस में नो कॉम्प्रोमाइज हो, कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा हो, डिजाइन वगैरह अच्छा हो, बैटरी बैकअप से ज्यादा इशू ना हो, तो डेफिनेटली इस फोन के साथ आप जा सकते हैं। ये रहे इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स। तो दोस्तों यही थे टॉप 3 बेस्ट एंड अल्टीमेट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 18 to 20,000। प्राइजेस ऊपर नीचे होती रहती है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इन तीनों स्मार्टफोन को आप 18,000 के नीचे ही बाय करना। वैसे अभी भी आपका कुछ डाउट और कंफ्यूजन रह गया तो आप कमेंट कीजिए या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।